Bismillahirrahmanirrahim. Class 7th, subject mathematics. Our topic is comparing quantities, but we are at exercise 8.2, question number 3. Estimate the part of the figure which is colored. तो यहां पे हम देखते हैं कि figures दी हुई हैं और इनमें कुछ parts इनके कलर्ड है, जैसे ये फिगर है, इसमें एक पार्ट जो है इसका एक हिस्सा कलर किया है इसका, तो हमने देखना है कि ये कितना है, इसका फ्रैक्शन कितना बनता है और परसेंटेज में भी कितना होगा, वो कितने परसेंट इसका कलर्ड है। तो फ्रैक्शन हम देखेंगे यहाँ पे, तो अगर देखा जाए तो इसके यहाँ पे ये इस तरह अगर देखें हम तो ये चार हिस्से बराबर बनते हैं, चार में से एक है तो ये हो गया एक चौथाई, यानी हम इसको कहेंगे 1/4, ये 1/4 है, तो इसका फ्रैक्शन हम लिखते हैं यहां पे 1/4। परसेंटेज के लिए 1/4, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में भी आपने देखा, इफ द नंबर इज इन फ्रैक्शनल फॉर्म वी मल्टीप्लाई इट बाय 100 टू गेट परसेंटेज, सो 1/4 इज इक्वल टू 1/4 बाय 100 परसेंट, इट विल बी इक्वल टू 100/4, या इस तरह लिखते हैं 1 × 4 × 25/4, तो यहां कॉमन फैक्टर 4 कैंसिल हो जाएगा, 25 ones are as 25%। इस तरह से हमने देखा कि ये जो फ्रैक्शनल नंबर है इसका परसेंटेज में कितना आ गया, 25 आ गया। सिमिलरली दिस फिगर इज हैविंग अनदर फ्रैक्शनल नंबर 1, 2, 3, 3 parts are colored out of 5 parts, तो 5 में से 3 यहां पर colored है, तो 3 ये कौन सा fraction बन गया, 3/5। अब 3/5 को हम कैसे convert करेंगे percent में, is just to multiply it by 100, 3/5 is equal to 3/5 multiplied by 100%, तो आगे जितना भी बनता जाएगा वो परसेंट में होगा, 3 × कॉमन फैक्टर इज 5 × 20/5, ये कॉमन फैक्टर कैंसिल हो गया, तो यहां